इंसान को हंसते रहना चाहिए यार, इसलिए मैं हंसती हूँ। अच्छी बात है ना हंसना तो। हाँ हाँ जो बात है, बात से इंसान की स्किन जो है ना ग्लो करती है लाइफ में। चलो इसी बात पे एक स्माइल हो जाए सबकी है इस बार। ओ ज्यादा बटरिंग नहीं करो समझ में आई। क्योंकि आज मेरे घर पे मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं इनवाइटेड हैं, यानी कि उनको मैं गेस्ट तो नहीं कहूंगी क्योंकि दे आर नॉट माय गेस्ट, दे आर माय फैमिली मेंबर्स, जैसे कि मेरे मदर, सिस्टर एंड ब्रदर। तो आज का व्लॉग थंबनेल और टाइटल से देखा होगा, बहुत स्पेशल और बहुत मस्ती भरा, फुल ऑफ फन और बहुत अमेजिंग से होने वाला है। तो वीडियो और व्लॉगिंग के स्टार्टिंग से पहले अगर अभी तक चैनल पे नए हो और ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले ज्वाइन कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ साथ लाइक, कमेंट, शेयर एंड एवरीथिंग मस्ट बी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आज बहुत सारे काम है एंड आई एम कंफ्यूज कि मुझे कहाँ से स्टार्टिंग देनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा है कि मुझे स्टार्टिंग लेनी चाहिए अपनी माई सेल्फ से। तो सबसे पहले मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करती हूँ, रेडी होती हूँ, रेडी शेडी होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मुझे क्या बनाना है क्या नहीं। अच्छा जी, यहाँ की जो सबसे बड़ी फीमेल्स जो है हाउस वाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, टू प्रॉब्लम्स आती हैं सामने, ठीक है, मेरे लिए। तो सबसे पहले नंबर वन के व्हाट आई शुड वेयर टुडे एंड सेकंड के व्हाट आई शुड कुक टुडे। ये दो जो चीज़ें हैं हर हाउस वाइफ जो है वो इसके मुताबिक जो है कंफ्यूज हो जाती है। तो मैं तो बिल्कुल होती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी ड्रेस जो है वो निकाल के रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। सो ये मेरी ड्रेस है क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, मैंने सोचा पहले ड्रेस निकालूँ फिर अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट करती हूँ। सो ये ड्रेस है, मैंने इसको हल्की सी प्रेस वगैरह कर ली है, अब मुझे रेडी होना है। तो रेडी शेडी होते हैं फटाफट और फिर आगे की व्लॉगिंग आपसे शेयर करती हूँ। तो आपने लास्ट में आज व्लॉग देखना है क्योंकि व्लॉग बहुत अमेजिंग से होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो फाइनली गाइस, मैं जो हो चुकी हूँ रेडी हो गई हूँ और अभी तक मेरे जो ये लोग मदर सिस्टर वगैरह जिनको आना था अभी तक ये लोग नहीं आए। तो मैं तो हो गई हूँ सिंपल सा रेडी, यहाँ पर मैं बहुत सिंपल सा रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे जो है दावत में जाना नहीं है बल्कि मेरे घर पर है। तो यहाँ पे बस मैंने ये हल्की सी ड्रेसिंग की है जो मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी, ठीक है, और इसके अलावा जो है हल्की सी मैंने मेकओवर किया बिल्कुल लाइटली सा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ नेल पेंट वगैरह ये देखी मैंने, ये निंजा टेक्निक। अच्छा, ये मुझे अभी तक नेल पेंट लगाना नहीं आई, मेरे ना शादी से पहले भी मेरी सिस्टर लगा दी थी मेरी नेल पेंट और अभी तक मुझे ये नेल पेंट लगाना नहीं आई क्योंकि मैं लगाती नहीं हुई थी ना मोस्टली। तो ये जब भी मैं लगाती हूँ ना कुछ ये देखें कितनी गंदी तरीके से लगी है, थैली ज़्यादा है लगी कम है, ये बस इतना सा। खैर इसको हम छोड़ते हैं, बस लग तो गई है ना। अच्छा, यहाँ पर अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ, अब मैं जब तक ये लोग नहीं आते थोड़ी सी अपनी तैयारी कर लेते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं और इसके अलावा सब आपसे शेयर करती हूँ। सो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा क्योंकि आप लोगों का फीडबैक, मैं जब भी आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह से इतने कम टाइम में इतना अच्छा सपोर्ट और इतना सारा लव, थैंक यू सो मच माई वाइटी फैमिली। सो यहाँ पर चलते हैं किचन में और बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है, चले लेट्स गो। सी तो आ गए हम लोग किचन में और यहाँ पे मैंने कुछ चिकन वगैरह निकाल के रखी थी फ्रिज से क्योंकि सर्दियाँ हैं और इतनी ज़्यादा जम गई थी तो मैंने निकाल के रखी थी अभी भी, ये देखें ये बहुत जमी हुई है तो ये इसको टाइम लगेगा, तो हम इसमें से थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि ये जल्दी पिघल जाए। और इसके अलावा यहाँ पर गैस इशू इतना ज़्यादा है, आपको पता है कराची में लाइट और वो हमारी गैस इशू जो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे फिर भी मैंने थोड़ा हल्की सी गैस पे जो है अपनी बीफ यखनी, मतलब बीफ को हमने जो रखना होता है ना पहले बॉईल करना होता है इसमें पोटली वगैरह बनाकर, तो ये मैंने कर लिया है जब तक ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक ये हो जाता है, जब तक ये हो जाता है यहाँ पर तब तक मैं यहाँ पर देखती हूँ और मुझे क्या करना है। A few moments later. ये लोग आ गए हैं मेरे गेस्ट यहाँ पर इतनी इंतजार के बाद, बल्कि नहीं गेस्ट नहीं, ये लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, गेस्ट नहीं है, ठीक है। तो भाई हाँ, इतना लेट क्यों आए हो ये बताओ सबसे पहले। हम लोग इसलिए आए हैं लेट क्योंकि अम्मी को एड्रेस नहीं पता था और मुझे भी एड्रेस नहीं पता था, इतना क्लियरली नहीं पता था। अच्छा,
तो ना अम्मी ने बहुत नचाया हमें नचाया हमने नहीं इसको नचाया एक दूसरे पे नाम डाल ले और इन दोनों ने मुझे नचाया क्योंकि मैंने तो घर देखा ही नहीं था। हाँ क्योंकि ये हमारा नया घर है और उन लोगों को पता नहीं था एड्रेस क्लियरली तो इसलिए हो गया। चलो खैर आइंदा लेट नहीं होना आप लोग ठीक है जी बिल्कुल। अब तो मुझे पता चल गया ना अब मैं देखना सीधा आऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह से चल। अच्छा जी ये हमारी अम्मी जो ये बहुत ड्रामा की शौकीन है। अम्मी आप ड्रामा की बहुत शौकीन है। अरे तुम्हारा ड्रामा देखती तुमने हमारा ये देखो ड्रामा देखती रहती हर वक्त। ये देखो कौन सा घर में लैपटॉप में ड्रामा देख रही होती है हमारी नजर से ड्रामा रुक गया। ये कौन सी अम्मी आपकी बातें हाँ ये कौन सी मंतके हैं। खैर मैं दिखाती हूँ आपको अपनी कुकिंग। हमारे शेफ ने सारा खाना रेडी करके रखा हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे शेफ ने कितना अच्छा खाना रेडी किया हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको देख रहे हैं हम लोगों को हमारे शेफ ने कितना अच्छा खाना बनाया है। शेफ कौन है से आप लोगों के लिए शेफ कहाँ से आई लो शेफ शेफ भाई हमारे घर का शेफ है बहुत अच्छे खाने बनाता है यू नो। सही है तो मैं अपना जरा खाना दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने लोग खाना बनाया बहुत ही जबरदस्त सा बनाया है और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। अच्छा वो जो शेफ है वो मैं हूँ तो मैं अपने आप को शेफ कह दूंगी ठीक है। ये देखें खाना हमारा बिस्मिल्लाह कितना मजे का है। ये खाना वाना मेरा सब रेडी हो चुका है यहाँ पर और ये लोग कितना लेट आए देखिएगा कितना जबरदस्त सा हमारा डिश यखनी पुलाव ये हमने रेडी किया है। गरम गरम है ना इसकी यहाँ पर और हमारी जो कढ़ाई है अभी रेडी नहीं हुई है ये अभी रेडी हो रही है तो जब ये रेडी होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी तो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी ठीक है। तो जी और आप लोगों को मजा आ रहा है यहाँ पर हाँ। आप लोगों को हमारा घर कैसा लगा सबसे पहले कमेंट पास करें। बहुत अच्छा लगा आपका घर मुझे यकीन करें मैं तो ये सोचती थी कि मैं मतलब जाऊंगी तो मैं देखूंगी मुझे बहुत वो होता था कि मैं देखूं घर कैसा है अच्छा। क्योंकि मैंने व्लॉग्स में देखा था ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ सही ठीक है तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सारा डिनर जो है रेडी हो चुका है। बाकी मैं आपको सब टाइम टू टाइम दिखाती रहूंगी लेकिन आपने स्किप नहीं करना है सब दिखना है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही जबरदस्त सा ये व्लॉग हमारा होने वाला है ठीक है होने वाला है मॉम ये हमारी अम्मी कितनी मसरूफ है ड्रामे में माशाल्लाह माशाल्लाह कीप वॉचिंग मॉम कीप वॉचिंग गुड जॉब करो वॉच करो वॉच करो। और यहाँ पर ये मेरा शहजादा छोटा सा ये क्यों लोला ये मेरा बेटा कूल ओला है ये तो लदन लदीता तू लोला ये मेरा पारा बेटा मेरा शहजादू कूल ओला है भाई इसको आप लोगों ने कमेंट में लाजमी माशाल्लाह बोलना है। जिसने इसको माशाल्लाह नहीं बोला ना देखकर उसको माननी मुझे गोली मारनी है वो भी पैनाडोल की सही है व्यूज के साथ कंपेयर करेंगे हम कमेंट्स को हम व्यूज के साथ कंपेयर करेंगे कि किस किसने माशाल्लाह बोला सही है। हाँ तो माशाल्लाह लाजमी कहना है कुछ कहना है ना कहना है कुछ भी नहीं कहना लेकिन माशाल्लाह यार नॉलेज होता है जब वो पारा पीता है माशाल्लाह एकदम माशाल्लाह खूबसूरत अपनी अम्मा की तरह ठीक है आ गए आप ठीक है हमारे शेफ ने सारा खाना रेडी कर चुके हैं दिखाऊं मैं आपको खाना चले आज खाना दिखाती हूँ आपको। हमारे शेफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया आज हमारे हमारे जो घर का शेफ है ना उसने बहुत जबरदस्त से देखे खाना जैसे मैंने व्यूअर्स को दिखा दिया है लेकिन फिर भी आप देख लेंगे देखें कैसा है ऐसा लग रहा है बाहर का ये सिलेंडर क्यों मंगवा। हाँ ये अब जैसे कि एज यू नो कि हमारे कराची और स्पेशली हमारे पाकिस्तान में गैस और लाइट दोनों इशू बहुत पॉपुलर है तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों का इंतजाम किया हुआ है। गैस ना होने की सूरत में जो है हमने इंतजाम किया हुआ है अपने सिलेंडर का और लाइट ना होने की सूरत में हमने इंतजाम किया हुआ है बैटरी का ठीक है ना।
कढ़ाई जो की हमारी बन रही है, जब बन जाती है फाइनल हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो क्या हुआ? व्हाट आर यू लुकिंग? आई एम लुकिंग नथिंग। अच्छा आपको ये नहीं सोचेगा इतनी इंग्लिश बोलती तो एक्शन मारती है, वो हमारे अल्फाज है, हमें हमारे ऊपर आते हैं रटते हैं, अब क्या करें हम। एक्चुअली हम लोगों की ना आदत हुई है। हाँ, बोलते रहते हैं घर में हम लोग, जैसे कि कुछ लोग होता है, कुछ लोगों का होता है कि पूरा मतलब उर्दू में बोलते हैं और ना फिर उनकी निकल जाती है अचानक ही। हाँ। निकल जाती है मुझे, तो वो है हमारे साथ की अचानक निकलती है मुझे, हम लोग सोच समझ के नहीं बोलते निकलती है। तो यही तो मैंने कहा कि लोग ये ना समझे कि इंग्लिश आती है तो इंग्लिश मारती रहती है, नहीं, जैसे कुछ होते हैं फटान तो उनकी फटानियां ही आती है, पश्तो आती है, बात कर रहे होते हैं उर्दू में बात कर, कुछ लोग पंजाबी होते हैं तो पंजाबी उर्दू बोलते बोलते पंजाबी आ जाती है, तो इसी तरीके से हमने इंग्लिश इतनी बोली है माशाल्लाह से, हमें शौक भी लैंग्वेज बोलने का। हाँ। ये बोलते बोलते बात करते करते इंग्लिश मुंह पे आ जाए। हाँ, और इंसान को ना ये बोलना चाहिए, अच्छा लगता है, पर्सनालिटी पे सूट करते हैं। हाँ, क्योंकि हम जो है ना, मैं अगर आपको लिटरली बताऊं कि मुझे जो है इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ। ठीक है, चलो मैं आगे आप लोगों को व्लॉग दिखाती हूँ। बाकी सब माशाल्लाह यहाँ बहुत खुश है और बहुत मसरूफ है, ये देखें। अम्मी कॉपीराइट लाएंगे मेरे व्लॉग में, स्टॉप योर सॉन्ग। ये हमारा छोटा गबरू ये खेल रहा है, ये मेरा जो तभी तो तेल लाए पिज्जा पापे तोता, तोता माशाल्लाह माशाल्लाह तोता, ये मेरा तोता, इनको बैठने के लिए सिर्फ वही जगह मिली है। रजी 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 रजी, ये देखें काम काम में सारी नेल पेंट, ये देखो। अच्छा ये रजाई जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इन लोगों ने निकलवाई थी, ये मेरे मेहमान बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, इन लोगों ने निकलवाई थी, लेकिन रजाई निकलवाने के बाद भी ये ड्रामे में मसरूफ है विदाउट रजाई पहने, और ये हमारी मैडम यहाँ बैठी हुई है तो ये यहाँ पर है, अभी लेटे हुए थे, अभी तो गेम ड्रामा देखा है। अच्छा चलो गधा बच्चा गधा बच्चा, तेल लाए तेल लाए तेल लाए। तो देखें यहाँ पर ना ये ब्लॉगर है और ये काम कर रहे हैं भाई ब्लॉगर। देखो मैं ना ब्लॉगर के साथ साथ ना जो एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है ना, तो वो सारे स्टेटस जो है मुझे एक साथ लेके चलने पड़ते हैं, यू नो, ये एक वुमेन के लिए जो रोटेट, एक वुमेन जो होती है ना बहुत अच्छी सी बात है, एक वुमेन जो होती है, एक लड़की जो होती है, अगर स्ट्रांग हो तो वो रोटी बनाने से लेके रोटी कमाने तक की स्किल्स अपने अंदर रखती है। ये बात तो आपने बड़ी अच्छी बोली, कहाँ से कॉपी की? पुदीना नहीं, सॉरी धनिया है, पुदीना। हाँ कोरिएंडर सही बोला है आपने, मगर ये धनिया है, सही है। और ये देखें ये यहाँ पर लगी हुई है, क्या देख रही हैं आप? टिकटॉक वीडियो बनाई है ना हमने, तो वो अपलोड कर रही हूँ। अच्छा यार तुम क्या हो, देख हर हर एक कोई ना कोई बात करके हंसना है इसको, देख बात है। हाँ बात है, चलो इसी बात पे एक स्माइल हो जाए सबकी है इस बात। तो हाँ क्या करते हैं, बस हो चुका है, डिनर लगाने लगी हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है ना, तो रायता बना लूँ मैं। अच्छा सही, और वो कहाँ गई है आपकी कामचोर बहन? वो काम कर रही थी ना यहाँ पर, डिशेज धो रही थी, बहुत काम किया उनका, काम सिर्फ ये था कि जब से आएंगे ना ये बैठी पड़ी थी और उन्होंने से बर्तन वॉश किया। अच्छा हाँ, वैसे मैं ना ये मेरी कोशिश ये होती है कि गेस्ट आए तो उससे काम ना करवाऊं मैं, इसलिए क्योंकि वो धस धस के आते हैं ना, तो अच्छा भी नहीं लगता काम करना, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं काम ना करूँ, तो बस मैं खाना लगाने लगी हूँ, और खाना भी आपको दिखाऊंगी। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की मेहनत है, हम दोनों की, हम लोगों ने ये सब चीज़ जो है ना अरेंज की। आपकी मेहनत कहाँ से, आपकी क्या मेहनत कर रही है बताना? हमारी मेहनत नहीं है, हमने चेक करके बताया आपको कैसा है नमक वगैरह, इसका भी तो क्रेडिट दिया जाता है ना, क्यों भाई? हाँ मैंने क्या नाम लगा वो, मैं अभी आपकी तारीफ हुई है, अभी तारीफ हुई है, इसने बोला है क्या, आप ब्लॉग में देखिएगा। नहीं नहीं बताओ मुझे,
आप ब्लॉग में देखिएगा। ये कढ़ाई देख देख के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये कढ़ाई, हाँ, ये कढ़ाई बहुत मजे की लग रही है। ऐसा लग रहा है बाहर से मैंने ना ऑर्डर की है। जी, और पुलाव की तो शक्ल दिखाई नहीं आपने हमें। दिखा दी मैंने आपने गाय की देखी है। चलो अब हम लोग भी चेक करके बताएंगे भाई कैसा बना है। सही है, तो मैं अच्छी तरह करूँ। ये क्या कर रही हैं आप? ये हर किसी के घर में हंडे में हाथ मारती हैं। ओ ज्यादा बटरिंग नहीं करो समझ में आई? यार तुम लोग क्या हो, तीनों के तीनों नहीं तुम दोनों के दोनों। और मैं भी तो यार क्या है। चलो खाना रहा है, देखिए देखो पुलाव है बहुत मजेदार सा बीफ पुलाव, कढ़ाई भी आ रही है ऊपर। हम बने आज ब्लॉगर, आज के ब्लॉगर हम हैं। और ये लोग खा रहे हैं, कैसा बना है? कोई कॉम्प्लीमेंट पास नहीं करेगा क्या? बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा। अभी तक तो हमने पुलाव खाया है तो वो तो बहुत ही टेस्टी है। तो मीठा बहुत ही है। मीठा मीठा आपने बनाया है? अच्छा, इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह कोई लोगों की फिर बड़ी दावत करूंगी ना। तब अभी तो मैंने कुछ जस्ट ऐसे डिनर पे बुला लिया था, तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाऊंगी, मीठा भी बनाऊंगी और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह वो व्लॉग भी शेयर करूंगी। अच्छा, आप लोग डिनर करें ठीक है, काशन को मैं बुला कर लाती हूं। जी, आप बावर्ची बने हुए क्या, शेफ बने हुए क्या, बने हुए खाना खा लें, क्या कर रहे हैं? निकाल लेना। अच्छा, तो वहाँ मुझे बोलते मैंने निकाल दे दी। अच्छा, जिस दिन अच्छी डिश बने उस दिन खुद बावर्ची बन जाए। लोगों ने डिनर कर लिया है, डिनर इन लोगों को अच्छा लगा डिनर बहुत ज्यादा। आपको बताया तो था, आप कितनी बार पूछती हो अपनी तारीफ करवा रही है। यार मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि अब आप लोग क्लियर बोल दो। उस वक्त खाने के टाइम पे मैंने आप लोगों से क्लियर पूछा नहीं था ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत ठीक है मॉम, एंजॉय किया, मजा आया? हाँ बहुत मजा आया। ठीक है, अब मैं लोग लेंगे तो और मजा आएगा। अब चाय पियेंगे तो और मजा आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारी अम्मी ने ना एक शेफ रखी हुई है, वो कुक करती रहती है बेचारी, हर चीज कुक करती है। अच्छा, तो वो शेफ ये देखें, जैसे आप लोग मेरी हार्ड वर्किंग को दाद जरूर देगा कमेंट करके और एक लाइक करके, क्योंकि व्लॉगिंग के साथ साथ मैं घर को भी लेके चल रही हूँ, कुकिंग इनकी दावत को भी लेके चल रही हूँ और माशाल्लाह से सारी चीजें ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट कुक कर रही हूँ। क्यों जबरदस्त? ठीक है, तो इस अबाउट कुछ कहेंगे, मेरे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है आपने लाजमी। अब इसको चाहे मेरी आप ऑर्डर समझे या रिक्वेस्ट, इट्स योर विश। ठीक है, ठीक है, चाय पीनी है, किसी ने पीनी है, सबने पीनी है। लोगों ने चाय बन रही है डिनर के बाद, ये लोग अब चाय पियेंगे एंड चाय के बाद हम थोड़ी बातें करेंगे और फिर हम लोग जो है अपने व्लॉगिंग का एंड करेंगे। चाय टाइम, ठीक है, डिनर के बाद हम चाय पी रहे हैं गरम गरम। सर्दियों में चाय के मजे ही अलग होते हैं। बहुत मजेदार बनाएगी तुमने तो, दूध पत्ती बनाती है। हाँ, दूध पत्ती चाय है ना। चलो पी लो आराम से, चिल। A few moments later. So finally यहाँ पे मेरे जो family members थे वो जा चुके हैं अपने अपने घर पे, और आज का व्लॉग आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है हमारा फुल ऑफ फन था व्लॉग में और हमने वाकई बहुत ज्यादा इंजॉय भी किया। तो यहाँ पे अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट इंशाल्लाह अपलोड वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। और नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, सो मैं इंशाल्लाह रेस्ट करूँगी और फिर न्यू व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यहाँ पर हम सोने की तैयारी के लिए देख सकते हैं आप, क्योंकि अब जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।